बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है डज द पॉइंट -2.5 एंड 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझे इसका। ये हमारे पास एक सर्कल है। अब अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है। अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो ये ऑन द सर्कल है। और अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो ये आउटसाइड द सर्कल है। अब यहां पे हम इसका सेंटर मान लेते हैं, कहीं ना कहीं पे हम इसका सेंटर, तो जैसे हम सेंटर सी लेते हैं ना, तो इसको हम पी क्यू और आर पॉइंट लेते हैं। इसको पी, इसको क्यू और इसको आर लेते हैं। तो आप देखेंगे कोई पॉइंट अगर सर्कल के अंदर हुआ, इनसाइड हुआ, तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम होगी। रेडियस की डिस्टेंस, रेडियस तो यहां से यहां तक होगी ना, रेडियस अगर कोई पॉइंट सर्कल पर हुआ, ऑन द सर्कल, तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी। और अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर हुआ तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी। इस बेस पे काम होगा। ये देखो ये हमने इनसाइड के लिए बना दिया, ये ऑन द सर्कल, और ये हमने किसके लिए बना दिया, आउटसाइड के लिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है और ये देखना है कि रेडियस से कम है, रेडियस के बराबर है या रेडियस से ज्यादा है। यहां पे अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें हम, तो गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड गिवन पॉइंट पी इज कितना है -2.5 और 3.5। अब कुछ ऐसी सिचुएशन है, पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, अभी पता नहीं है, हम सिर्फ सेंटर देख सकते हैं। ये जो हमारा सर्कल है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, देखो ये एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर है, तो सेंटर है इसका 0 0। और रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज 5 यूनिट्स। अब हमें सेंटर सी का पता है, सी कितना है 0 0। अब इस पॉइंट पी का नहीं पता कि पॉइंट पी यहां पे है कि अंदर है, कि ये ऑन है, कि ये आउटसाइड है, पता नहीं हमें कहां है। तो हम इसकी सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर वो रेडियस से कम रहेगी तो वो इनसाइड है, अगर वो रेडियस के इक्वल आ गई तो ऑन द सर्कल है, अगर वो रेडियस से ज्यादा आ गई तो आउटसाइड द सर्कल है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, सेंटर को हम सी पॉइंट मान लेते हैं। तो सीपी क्या चीज है, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पी माना है जिसको हमने -2.5 3.5 फ्रॉम सेंटर 0 0। सी है जो हमारा सेंटर सी, सेंटर सी 0 0। सीपी हमारे पास आ गई, इसमें से ये माइनस कर ले, इसमें से माइनस ये कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां -2.5 -0 इट्स ऑल स्क्वायर प्लस 3.5 -0 इट्स ऑल स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखो यहां से करेंगे तो 25 और ये 6,
यहां पे आ जाएगा प्लस, इससे करेंगे तो हम यहां से ये आ गया 25 और ये 12, तो सीपी दैट इज ये आ गया हमारे पास 18.25। अब सीपी देखो, आप देखेंगे ये 18.25 है, आप इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 18.25, 4 4 16 2 रह गए, 25 ले लिया, यहां पॉइंट लगा दिया, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 1 पे करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, 2 पे करेंगे देखो 3 पे करेंगे तो ये 3 से करेंगे 24 ज्यादा आ जाएंगे, तो 2 पे ही होगा 4.2, तो ये हमारे पास 4 हो गया और ये 16 हो गया, 1 आ गया और ये 6 आ गया, तो यहां तक बहुत है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना है 4.2 है, तो सीपी 4.2 है, लेकिन ये तो लेस है रेडियस ऑफ सर्कल से, रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी थी 5 थी, तो जब ये 4.2 है तो यहां से यहां तक तो देखो रेडियस ऑफ सर्कल ये तो 5 है, तो अगर C से P की डिस्टेंस 5 से कम रहेगी तो कहीं ना कहीं अंदर ही होगा, हम लिखेंगे सो द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों इसका आंसर है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो यहां पे हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो जाती है, प्यारे बच्चों लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और गणित विषय के प्रति जो आपकी रुचि है वो बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक करना, उनको कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं इस विषय में कि किस तरह से हम अपने जो वीडियोज है उनको और बेहतर बना सकते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।